Good morning, students. Welcome back to the CBS Academy channel, Education for the World of Difference. I hope आप सभी बिल्कुल सही हैं और हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी के लिए सब बिल्कुल सही रहें. क्लास शुरू करने से पहले I would just like to inform you, कुर्सियों की पेटियां बांध लें और I am watching you, please हिलिएगा मत. So let's begin today's class and your class. So let's start with today's chapter, chapter number 2, Cherry Tree. So before starting the chapter, we have a warm-up exercise. The exercise is, imagine you are a tree. How would you feel when you are nurtured or neglected? Share your views in the class. So as there is no class, आपका क्लास अभी तो नहीं है, आप यू कैन शेयर योर व्यूज़ विद योर पेरेंट्स. आप अपने व्यूज़, अपने ख्याल अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कर सकते हो. व्हाट यू हैव टू इमेजिन, इमेजिन यू आर अ ट्री. अब आपको इमेजिन करना है आप एक पेड़ हो, ठीक है, आप एक पेड़ हो और अब आपको कैसा लगेगा, हाउ वुड यू फील when you are nurtured. पहली जो आपको फीलिंग सोचनी है, हाउ वुड यू फील when you are nurtured. नर्चर्ड मतलब आपका देखभाल करी गई, आपको संभाला गया, आपको प्यार करा गया, आपका खूब ध्यान रखा गया. एंड सेकेंड, हाउ वुड यू फील when you are neglected. कि आपको कैसा लगेगा जब आपको छोड़ दिया गया हो, आपको आप पे ध्यान नहीं दिया गया हो बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया हो. Share your views, okay? So now let's read the story. Let's read a story about a young boy who grows a cherry tree in his garden. एक छोटे लड़के के बारे में अपन कहानी पढ़ेंगे जो चेरी ट्री को उगाता है अपने गार्डन में. Okay. One day when Rakesh was 6, he walked home from Masuri Bazaar. एक दिन जब राकेश से 6 साल का था, वो घर की तरफ गया मसूरी बाजार से और वो खा रहा था क्या, ईटिंग चेरीज. देवर अ लिटिल स्वीट, अ लिटिल सा स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज. वो थोड़ी छोटी थी, थोड़ी खट्टी थी, थोड़ी मीठी थी और रेड, बहुत चमकीली रेड कलर की थी चेरीज थी. Which had come all the way from the Kashmir Valley. और वो कहाँ से आई थी, सीधा कश्मीर वैली से. Here in the Himalayan foothills where Rakesh lived, there were not many fruit trees. So this is a foothill. Foothill means from the foots of the hills, in the foots of the hills. या फिर यहाँ से देखो आप, you can see the start, the hills are starting. This is a foothill near Himalayan range only somewhere. So you can just see what is a foothill. This is a place like a foothill, okay? And here in the Himalayan foothills where Rakesh lived, जहाँ राकेश रहता था, there were not many fruit trees. वहाँ fruit trees नहीं थे. The soil was stony, soil वहाँ का थोड़ा पथरीला था, and the dry cold winds stunted growth of most plants. और जो बिल्कुल ठंडी हवाएं चलती थी, dry, stunted मतलब stopped या cut short वहाँ पर, ठीक है ना, growth of most plants की growth को रोक देती थी या cut कर देती थी. But on the more sheltered slopes, ऐसी जगह हैं जो थोड़ा bad weather से, थोड़ा जो ये winds से थोड़ा sheltered है, जहाँ पर कम है, थोड़ी बची हुई हैं, there were forests of oak and देवदार. So वहाँ पर oak और देवदार के पेड़ थे. कहाँ पर, जहाँ थोड़ा sheltered था, जो बुरे वेदर से बचा हुआ था. राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी.
just where the forest began. Grandfather was a retired forest ranger. He had a little cottage outside the town. सो राकेश अपने दादाजी या ग्रैंडफादर के साथ रहते थे एंड कहाँ पर, बिल्कुल मसूरी के बाहरी इलाकों में, आउटस्कर्ट्स, जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगान, और वहीं से जहाँ पर ये रहते थे, जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगान, वहीं पर जहाँ ये रहते थे वहाँ से फॉरेस्ट शुरू होते थे. ग्रैंडफादर जो दादाजी थे वो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे. रेंजर कौन होते हैं? कीपर, प्रोटेक्टर, है ना. सो उस फॉरेस्ट के रेंजर थे. ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन, उनका एक छोटा सा घर भी था पूरे शहर के बाहर की तरफ. राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज. ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू वॉक होम एंड बाय द टाइम He reached the cottage. There were only 3 cherries left. Have a cherry, grandfather, he said as soon as he saw his grandfather in the garden. Grandfather took 1 cherry and Rakesh promptly ate other 2. He kept the last seed in his mouth for some time, rolling it round and round in his tongue until the tang had gone. Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. Are cherry seeds lucky? Asked Rakesh. Of course. Then I'll keep it. Nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it to some use. Now what we see here, Rakesh school से आ रहा था जब उसने चेरी खरीदी और उसने 50 पैसे में चेरी का एक बंच खरीदा, एक गुच्छा खरीदा, और आधे घंटे में जब तक वो घर पहुंच गया था उसके पास सिर्फ 3 चेरीज बची पूरे गुच्छे में से, वो पूरी खा चुका था. और जैसे ही उसने अपने दादाजी को देखा उसने बोला, लीजिए दादाजी आप भी एक चेरी खाइए. और जैसे ही दादाजी ने एक चेरी ली वो बाकी 2 बची हुई फटाफट खा गया. उसने ध्यान भी नहीं दिया. ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम. और जो आखिरी चेरी का जो बीज बचा था, चेरी में क्या होता है, बीज होता है, जैसे हम बेर खाते हैं बेर में बीज होते हैं वैसे चेरी में भी बीज होता है. आप में से कई जनों ने खाई होगी, यू मस्ट हैव हैड इट. ओके, लास्ट सीड इन हिज माउथ, और उसको रोल करता रहा अपनी जीभ के साथ साथ. कैसा होता है, जैसे हम, हमारे पास अगर लास्ट बेर बच जाए तो हम आखिरी जब बेर बचता है तो उसकी जो गुटली होती है उसको मुंह में ही इधर से उधर घुमाते रहते हैं. एंड देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाम, और उसने अपने उस गुटली को अपने हाथों में रखा एंड उसको देखता रहा, उसको देखा उसने क्या है. और फिर अपने दादाजी से पूछता है राकेश, आर चेरी सीड्स लकी, क्या चेरी सीड्स लकी होते हैं? तो दादाजी बोलते हैं बिल्कुल, ऑफ कोर्स, तो मैं इसे रख लेता हूँ, देन आई विल कीप इट. तो दादाजी बोलते हैं, नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे, कोई भी चीज लकी नहीं अगर तुम उसे एक तरफ रख दो. अगर तुम्हें लक चाहिए, अगर तुम्हें उसके साथ किस्मत चाहिए, यू मस्ट पुट इट टू सम यूज, उसको किसी काम में लगा दो. लेट अस रीड द नेक्स्ट पार्ट. When can I do with a seed? What can I do with a seed? Plant it. दादाजी बोलते plant कर दो उसको. तो वो बोलता है कि मैं seed के साथ क्या कर सकता हूँ. दादाजी बोलते हैं उसको plant कर दो, उगा दो. So Rakesh found a small spade and began to dig up a flower bed. राकेश ने एक छोटा औजार या फिर छोटी खुरपी जो गार्डन में होती है वो ढूंढी, और उसके बाद उसने गड्ढा खोदा जो फ्लावर बेड के रूप में था. डिग अप द फ्लावर बेड, उसने बिल्कुल जहाँ लगाने थे फ्लावर के बेड वहीं पर ही, जो फ्लावर बेड क्या होता है, गार्डन की वो जगह जहाँ पर फ्लावर्स उगते हैं, ऐसी जगह जो समतल हो, जो थोड़ी उगाऊ उपजाऊ हो. ओके, तो दादाजी एकदम से बोलते हैं, हे नॉट देयर, सेड ग्रैंडफादर, आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड. प्लांट इट इन द शेडी कॉर्नर वेर इट वोंट बी डिस्टर्ब्ड. तो वहाँ दादाजी बोलते हैं मैंने मस्टर्ड उगा रखे, मस्टर्ड होता है सरसों. ओके, तो दादाजी बोलते हैं वहाँ वहाँ तो उगाओ, वहाँ मत करो, क्योंकि वहाँ आई हैव ग्रोन द मस्टर्ड
प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर, वो बोलते हैं थोड़ा सा शेडी है जहाँ छाँव है थोड़ी, वहाँ होगा, वहाँ उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा. राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग. ही डिड नॉट हैव टू डिग, ही प्रेस्ड द सीड इन टू द सॉइल विद हिज थंब एंड इट वेंट राइट इन. देन ही हैड हिज लंच एंड रन ऑफ टू प्ले क्रिकेट with his friends and forgot all about the cherry seed. When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went and went in the devdar trees. सर्दियों में हवाएं कैसे चलती है, मतलब इस तरह से वो हवाएं चल रही होंगी देवदार ट्रीज पर. And the garden was dry and bare. In the evening, grandfather and Rakesh sat over a charcoal fire, and grandfather told Rakesh stories. Stories about people who turned into animals and ghosts, who lived in trees and beans that jumped and stones that wept. And in turn, Rakesh would read to him from the newspaper. Grandfather's eyesight being rather weak, Rakesh found the newspaper very dull, especially after the stories. But grandfather wanted all the news. So what we see here, Rakesh ने वो जो corner grandfather ने बोला था वहाँ देखा, उसने देखा कि वो जो shady corner है वहाँ पर एक बिल्कुल soft सा garden का soft हिस्सा है जहाँ बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल soft है. तो क्या करता है, बीज लेता है और उसको press कर देता है soil में, and the seed directly it went right in, okay, सीधा अंदर चला जाता है. Then वो lunch खा के सीधा क्रिकेट खेलने को चला जाता है अपने दोस्तों के साथ और भूल जाता है उस चेरी सीड को. और जब विंटर्स चालू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, तो ठंडी हवाएं बहुत तेज हू करते हुए देवदार के पेड़ों से टकराती हुई गार्डन तक आती है और वो गार्डन को ड्राई कर देती है और बेयर कर देती. सो व्हाट इज इट मीन बाय दिस, गार्डन वॉज ड्राई, बिल्कुल ड्राई और सूखा हो पड़ चुका था और बैर खाली हो चुका था, बिल्कुल ठंडक से वो बैर था, मतलब ओपन था, ओपन टू ठंडक, देयर वाज नथिंग टू बी कवर्ड अप. इन द इवनिंग ग्रैंडफादर एंड राकेश सैट ओवर अ चारकोल फायर एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज. शाम के वक्त दादाजी और राकेश बिल्कुल एक अलाव जला के बैठे, जो कोयले के अलाव हम लोग जलाते हैं वैसी स्टोरीज वो बात बताने लगे राकेश को. और किस तरह की स्टोरीज, लोगों की स्टोरीज अबाउट, कहानियाँ जो लोगों की हों, वो टर्नड अप इनटू एनिमल्स, जो एक जानवरों में बदल गए या भूतों में बदल गए, जो ट्रीज में रहते थे और बीन्स में जो कि जंप करते थे स्टोन्स में, और जो थे स्टोन्स जो रोते थे, ओके, who lived in trees and beans that jumped, जो beans जो jump करते थे, and stones that wept, जो ऐसे पत्थर बन चुके थे जो रोते थे. और उसके बदले, ऐसी रोमांचक कहानियों के बदले, राकेश क्या करता था, उनको newspapers पढ़ के सुनाता था. और grandfather की क्योंकि eyesight weak थी इसलिए वो newspaper उनके लिए पढ़ते थे. राकेश found the newspaper very dull, especially after stories. तो राकेश को newspaper बहुत dull लगता था, stories जिसमें लिखी थी उसके बाद, मतलब बहुत निराशाजनक भी कई जगह लगता था. But grandfather को तो पूरी news चाहिए थी, उनको तो पूरी news सुननी थी. So let us read the story. They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. Early in the morning, when he got up, chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation streaming northwards and heard the call of the birds clearly through the thin mountains. One morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted.
He stared at it for a moment, then ran to fetch Grandfather, calling, "Grandfather, come and look, the cherry tree has come up." "What cherry tree?" asked Grandfather, who had forgotten about it. "The seed we planted last year. Look, it's come up." Rakesh went down his haunches, while Grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree. It was almost 4 inches high. "Yes, it's a cherry tree," said Grandfather. "You should water it now and then." Rakesh ran indoors and came back with a bucket of water. "Don't drown it," said Grandfather. Rakesh gave it a sprinkling and circled it with pebbles. Okay, so what we see here, कि एक सुबह जब स्प्रिंग आ चुकी थी, सो स्प्रिंग एक ऐसा मौसम है जहाँ सर्दी के बाद ग्रीष्मकाल जैसे हम कहते हैं, ओके ग्रीष्म ऋतु, तो ऐसा मौसम जिसमें पौधे उगना शुरू हो जाते हैं, ओके सो स्प्रिंग आने लग गई थी और इसका एक देयर वाज अ हिंट गिवन, इट वाज स्प्रिंग व्हेन द वाइल्ड डक फ्लू नॉर्थ अगेन टू साइबेरिया, मतलब कुछ माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं जो वापस दूसरी तरफ या ठंडी जगहों पर जाने लगती है या दूसरी जगह है जहाँ वो सूट करती है, जैसे यहाँ साइबेरियन डक वाइल्ड डक के बारे में बताया गया है. सो दीज डक्स यूज टू लिव इन कोल्ड वेदर्स, तो यहाँ से अब वापस वो साइबेरिया की तरफ जा रही है जहाँ वो ठंडक थोड़ी और है. अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर, जहाँ वो लकड़ियाँ तोड़ के ला रहा था और आग जलाने वाला था, राकेश ने एक वी शेप फॉर्मेशन में बर्ड्स को देखा स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड्स एंड हर्ड द कॉल ऑफ बर्ड्स थ्रू द थिन माउंटेन एयर, और वहाँ से मतलब उसने उन पहाड़ों के बीच में से उन पक्षियों की आवाज़ भी सुनी. सो हमने देखा कैसे कई बर्ड्स वी शेप बनाते हुए उड़ते हैं, वैसे ही वो सारी बर्ड्स भी माइग्रेट कर रही थी. दीज वर माइग्रेटिंग बर्ड्स. वन मॉर्निंग इन द गार्डन, एक सुबह गार्डन के अंदर वो उठे और उसने एक छोटा सा कुछ निकलता हुआ देखा गार्डन में, और वो देखा और सरप्राइज में था कि बिल्कुल वेल रूटेड है, बिल्कुल अच्छे से उगा है ये, और उसकी तरफ देखता रहा थोड़ी देर तक और अपने दादाजी को तोड़ के बुलाने गया और उसने बोला, "देखो दादाजी, चेरी ट्री ऊपर आ चुकी है, चेरी ट्री हैज कम अप." तो दादाजी बोलते, "कौन सी चेरी ट्री, व्हाट चेरी ट्री?" तो क्योंकि दादाजी भूल गए थे, तो वो बोलता है, "द सीड दैट वी प्लांटेड लास्ट ईयर, जो हमने पिछले साल उगाया था, लुक, देखो इट्स कम अप, वो ऊपर आ चुका है." तो राकेश नीचे झुका ऑन हिज हॉन्चेस, हॉन्चेस मतलब एकदम हम जैसे अपने बिल्कुल नीचे झुक के बैठ जाते हैं, बिल्कुल पीठ के बल, बिल्कुल कमर के बल, बिल्कुल झुक के बैठ जाते हैं वैसा. व्हाइल ग्रैंडफादर ऑलमोस्ट बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड पीयर्ड डाउन, और उन्होंने दादाजी भी नीचे बिल्कुल झुके और उन्होंने भी झुक के देखा और देखा कि वो जो पेड़ था चेरी का वो 4 इंच ऊपर आ चुका है. यस इट्स अ चेरी ट्री, तो दादाजी कहते हैं यस ये चेरी ट्री है, और बोलते हैं कि यू शुड वाटर इन नाउ एंड देन, उसको पानी दिया करो आते जाते, ध्यान रखा करो उसका. राकेश रान वो भाग के गया अंदर और एक बाल्टी भर के पानी लिया, तो बोलते हैं अरे इसको डुबाना नहीं है, ग्रैंडफादर बोलते हैं. सो राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग, राकेश ने उस पर छिड़काव करा और वहाँ पेबल्स से उसको सर्कल कर दिया. सो राकेश पूछता है, व्हाट आर पेबल्स फॉर, ग्रैंडफादर आस्क ग्रैंडफादर, सॉरी ग्रैंडफादर पूछते हैं, व्हाट आर पेबल्स फॉर, फॉर प्राइवेसी, सेड राकेश. प्राइवेसी क्या होती है बच्चों? ऐसी स्टेट जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे या एकांत अकेले रहने दें. ही लुक्ड एट द ट्री एवरी मॉर्निंग बट इट डिड नॉट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट, सो ही स्टॉप्ड लुकिंग एट इट एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ his eye. एंड आफ्टर अ वीक or टू when ही अलाउड himself टू लुक एट इट properly, ही फाउंड दैट इट had grown at least an inch. That year, the monsoon rains came early and Rakesh plodded to and from the school in raincoat and gumboots. Ferns sprang up from the trunks of trees, strange looking lilies came up in the long grass, and even
When it wasn't raining, the trees dripped and mist came curling up the valley. The cherry tree grew quickly in this season. It was about 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves. Only the main stem and two thin branches remained. "Never mind," said grandfather, seeing that Rakesh was upset. "It will grow again. Cherry trees are tough." Towards the end of the rainy season, new leaves appeared on the tree. Then a woman cutting grass cut the cherry tree in two. When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired. "Maybe it will die now," said Rakesh. "Maybe," said grandfather. But the cherry tree had no intention of dying. By the time summer came round again, it had sent several new shoots with tender green leaves. Rakesh had grown taller too. He was 8 now, a sturdy boy with curly black hair and deep black eyes. "Blackberry," grandfather called them. Okay, so यहाँ हमने देखा तो राकेश से पूछता है, पेबल्स तुमने जो जो वहाँ स्टोन्स के छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं वो क्यों रखे? तो कहते हैं अकेलेपन के लिए, वो अकेला रहे, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, उसको बिल्कुल एकांत में रहना चाहिए। और उसकी तरफ वो रोज देखता था, पर उसको लगता था कि वो बढ़ ही नहीं रहा, तो उसने देखना छोड़ दिया। हालांकि वो चुपचाप कनखियों से अपनी बिल्कुल कोने आंखों के कोने से चुपचाप देख लेता था। और 2 या 3 हफ्तों में ही वो when he allowed himself to look at it properly, उसने देखा कि वो 1 इंच और बढ़ चुका है 2 या 3 हफ्तों में। और जब मॉनसून रेनी सीजन आया, तो जब राकेश जब स्कूल जाता था, वो जाता था रेनकोट और गम बूट पहन के, क्योंकि बहुत तेज बरसात होती थी। तो उसने देखा कहीं कहीं जगह पेड़ों पे से फर्न्स, फर्न्स एक तरह की पेड़ों पे से उगते हैं, वाइट कलर के होते हैं। फर्न्स स्प्रांग अप फ्रॉम द ट्रीज, स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज, कुछ स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज आ गए गार्डन में लॉन्ग ग्रास के बीच में। एंड व्हेन इट वाज नॉट रेनिंग, और जब रेन नहीं भी होती थी तो तब भी ट्रीज उसमें से हल्का सा मॉइस्चर निकलता था, जिससे मिस्ट धुंध हो जाती थी पूरी वैली में, पूरे पहाड़ों के बीच, पहाड़ी इलाकों के बीच में। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन, और इस सीजन में चेरी ट्री बहुत जल्दी उगते हैं। और अब चेरी ट्री 2 फीट का हो चुका था, इट वॉज 2 फीट हाई। और जब उसने उस दिन जब वो 2 फीट का हो चुका था, उस वक्त एक गोट, एक बकरी अंदर आई और उसे उसकी पत्तियों को खा गई। तो उसमें से सिर्फ उसकी सिर्फ मेन तना बचा था, बस उसमें सारी पत्तियां चली गई थी। अब देख सकते हो इस तरह से कुछ भी पत्ती नहीं है, एक भी पत्ती नहीं। तो वो बोलता कि ग्रैंडफादर बोलते हैं राकेश को, कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, वो ये वापस उग जाएगा। ये बहुत टफ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, और वापस रेनी सीजन के खत्म होने तक लीव्स उस पे आ चुके थे। और फिर एक दिन क्या हुआ, एक वुमन, एक औरत घास काट रही थी, और उसने चेरी ट्री को भी 2 हिस्सों में काट दिया। सो जब दादाजी ने ऐसा देखा, वन ग्रैंडफादर सॉ व्हाट हैपेंड, वो गए उस औरत के पीछे और उसको डांटा। जो डैमेज हो चुका था उसको रिपेयर नहीं करा जा सकता था। अब चेरी ट्री जो 2 हिस्सों में टूट गया था, उसको जोड़ा नहीं जा सकता था। तो इस बार राकेश बोलता है शायद वो मर जाएगा इस बार। तो दादाजी बोलता है शायद, बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। चेरी ट्री की कोई इच्छा नहीं थी मरने की। और जब तक समर वापस आ चुका था, जब तक गर्मियां वापस आ चुकी थी, उसमें दो कई सारी नई शूट्स, कई सारे नए छोटे छोटे तने निकल चुके थे। अब राकेश भी 8 साल का हो चुका था, वो भी थोड़ा लंबा हो गया था। ही वॉज अ स्टर्डी बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉय, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखने में हो, विथ कर्ली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आईज। तो उसकी ब्लैक हेयर और कर्ली ब्लैक हेयर और डीप ब्लैक आईज के लिए उसको दादाजी क्या बुलाते थे, ब्लैकबेरी। उसके दादाजी उसे प्यार से ब्लैकबेरी बुलाते थे। ओके, दैट मॉनसून, उस मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग एंड प्लोइंग एंड सोइंग। ही वॉज थिनर बट स्ट्रोंगर।
When he came back to grandfather's house at the end of the rains to find that the cherry tree had grown another foot, it was now up to his chest. Even when there was rain, Rakesh would sometimes water the tree. He wanted it to know that he was there. One day, he found a bright green praying mantis perched on a branch, peering at him with bulging eyes. Rakesh let it remain there. It was the cherry tree's first visitor. The next visitor was a hairy caterpillar who started making a meal of the leaves. So what we see over here is, जब मॉनसून आ गया था, राकेश को अपने मम्मी पापा के पास जाना पड़ा खेती बाड़ी थोड़ी सी वहाँ उनकी मदद करने. वो भले ही पतला था पर कमज़ोर नहीं था, मजबूत था. ही वॉज स्ट्रांग. व्हेन ही केम बैक, वापस आया जब, तो उसने देखा कि चेरी ट्री कितना हो गया है. तो चेरी ट्री को देखा कि वो उसकी छाती तक या चेस्ट तक आ चुका है. इवन वेन, जब भी वहाँ अगर वहाँ रेन भी हो रही होती तो भी वो उसको कई बार पेड़ को पानी डालता, सिर्फ ये दिखाने के लिए उसको कि वो अकेला नहीं है, वो है उसके साथ. और एक दिन एक मैंटिस वहाँ पर आया और उसकी ब्रांच पर बैठ गया. तो उसने उसको भगाया नहीं, वो उसको देखा और मैंटिस ने भी उसको देखा और राकेश ने उसको वहीं रहने दिया, उसको भगाया नहीं वहाँ से, क्योंकि वो चेरी ट्री का पहला विजिटर था. एंड द नेक्स्ट विजिटर, दूसरा विजिटर कौन था? कैटरपिलर, जो उसके पत्तियों को खाने बना के उसको खाना शुरू हो चुका था. सो अब देखते हैं राकेश क्या करेगा. राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स. उसने एकदम से उसको हटाया. कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, ही सेड, वापस आना जब तुम बटरफ्लाई हो. अब आप ये जो देख रहे हैं, ये जो जैसा कीड़ा है, दिस इज अ मैंटिस, ये एक मैंटिस कहलाता है. ओके, विंटर केम अर्ली, इस बार सर्दियाँ थोड़ी जल्दी आ चुकी थी. द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो. फील्ड माइस सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज. द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड एंड फॉर सेवरल डेज देयर वॉज नो न्यूज़पेपर एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी. His stories began to have unhappy endings. In February, it was Rakesh's birthday. He was 9 and the tree was 4, but almost as tall as Rakesh. One morning, when the sun came out, grandfather came into the garden. "Let some warmth get into my bones," he said. He stopped in front of the cherry tree, stared at it for a few moments and then called out, "Rakesh, come and look. Come quickly before it falls." Rakesh and grandfather gazed at the tree as though it had performed a miracle. सब क्या हुआ, सर्दियां आ चुकी थी और थोड़ी जल्दी आ गई थी. चेरी ट्री के ऊपर जो बर्फ गिरी थी उसकी वजह से वो झुक गया था और बर्फ खूब पड़ी थी उस समय. और जो फील माई सब जैसे यहाँ बताया कि वो कॉटेज की छतों पर जाकर रहने लगे एंड जो चूहे चूहियाँ होती हैं वहाँ की, इसलिए ठीक है, वो फॉर ठंडी से बचने के लिए. रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी काफ़ी दिनों के लिए और वहाँ पर न्यूज़पेपर भी नहीं थे. और जब न्यूज़पेपर, आपको पता है कि ग्रैंडफादर को न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, न्यूज़ उनको चाहिए ही चाहिए. और जब न्यूज़पेपर नहीं मिला तो वो थोड़े ग्रम्पी, थोड़े चिड़चिड़े हो गए. His stories began to have unhappy endings. अब वो जो स्टोरी सुनाते थे राकेश को, उनकी जो एंडिंग अब होती थी बहुत दुखी होने लग गई थी. और अब राकेश का बर्थडे भी आ गया था जो कि फरवरी में आता है, और वो 9 साल का हो गया था और जो पेड़ था वो 4 साल का, बट राकेश जितना लंबा हो चुका था वो पेड़. एक सुबह जब सन धूप निकली तब दादाजी बोलते हैं, चलिए मेरी हड्डियों में थोड़ी गर्मी गर्माहट आ जाए, चलिए बाहर चल के बैठते हैं. तो वो चेरी ट्री के सामने जाके रुक गए और उसे घूर के देखने लगे और एकदम से राकेश को बुलाया, राकेश बाहर आ जाओ, कम एंड लुक, कम क्विकली बिफोर इट फॉल, जल्दी आओ जब उससे पहले गिर जाए. तो राकेश दौड़ के बाहर आया और राकेश और ग्रैंडफादर दोनों ट्री को ऐसे देखने लगे जैसे पेड़ ने कुछ चमत्कार कर दिया हो, जैसे एज इफ द ट्री हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल. देयर वाज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ अ ब्रांच.
द फॉलोइंग ईयर देर वर मोर ब्लॉसम्स एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर दैन राकेश इवन दो इट वॉज लेस दैन हाफ इज एज एंड देन इट वॉज टॉलर दैन ग्रैंड फादर हु वॉज टॉलर दैन सम ऑफ द ओक ट्रीज बट राकेश हैड ग्रोन टू ही कुड run and jump and climb trees as well as most boys and he read a lot of books although he still liked listening grandfather tales in the cherry tree tiny birds pecked at the blossom and broke them off but the tree kept blossoming right through the spring and there were always more blossoms than birds that summer there were small cherries on the tree Rakesh tasted one and spat it out. It's too sour, he said. They'll be better next year, said grandfather. But the birds liked them, especially the bigger birds such as the bulbuls and the scarlet minivets. And they flitted in and out of the foliage, feasting on the cherries. सो राकेश ने क्या देखा वहाँ पर पिंक छोटे से पिंक कलर का एक ब्लॉसम निकला था कुछ उगा था वहाँ पर सो वहाँ पर जो एक पिंक कलर की चीज़ खिली थी वो चेरी थी और उसी साल उसी जो साल था वहाँ पर खूब सारे और भी ब्लॉसम आए और वो पेड़ अचानक से राकेश से लंबा हो गया बट राकेश भी लंबा हो गया था और अब वो भाग सकता था कूद सकता था और काफ़ी पेड़ को चढ़ सकता था जो काफ़ी बच्चे काफ़ी लड़के कर लेते हैं अब वो पेड़ ग्रैंडफादर से भी ऊंचा हो चुका था जो कि खुद कुछ ओक ट्री से बड़े हैं इन द चेरी ट्री अब चेरी ट्री के अंदर छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं आने लगी उसको पैक करने लगी ब्लॉसम्स को और ब्लॉसम गिर जाते थे बट फिर भी स्प्रिंग के समय वो पेड़ खूब ब्लॉसम खूब फूल खिलाता रहता था खूब मतलब चेरी के लिए जो चेरीज के लिए खिलता है फूल वो फूल खिलता रहता था और एंड ऑलवेज ब्लॉसम और मोर देन द बर्ड्स बर्ड्स ज़्यादा होता था वहाँ पर दैट समर और उस गर्मियों जब पेड़ ने खूब सारे ब्लॉसम्स दिए तो उस दिन उस समय खूब सारी छोटी छोटी चेरीज उगी और जैसे ही राकेश ने टेस्ट उसको करा मुँह में डाला एकदम से उसको थूक दिया और उसने बोला तो बहुत खट्टी है इट्स टू सार ही सेड दिल बी बेटर नेक्स्ट ईयर उस ग्रैंड फादर बोलते हैं वो अगले साल अच्छी हो जाएंगी बट जो चिड़ियाँ थी वहाँ पर वो उन्हें बहुत पसंद करती थी स्पेशली बिगर बर्ड्स सच एज बुलबुल्स एंड स्कारलेट मिनिविट्स मिनिविट्स एशियन सॉन्ग बर्ड्स विद बोल्ड पैटर्न्स ऑन द बॉडी ओके एंड दे फ्लिटेड तेजी से उड़ती थी अंदर और बाहर ऑफ द फॉलिएज फीस्टिंग द ट्रीज फॉलिएज होता है जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की ट्रीज की वो बताती हैं फॉलिएज फीस्टिंग ऑन द चेरीज चेरीज पे खूब पेट भर के खाने के बाद ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून व्हेन इवन द बीज लुक्ड स्लीपी राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर बट डिड नॉट फाइंड हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेसेस अराउंड द हाउस देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो एंड सॉ ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर अंडर द चेरी ट्री There is just the right amount of shade here, said grandfather, and I like looking at the leaves. They are pretty leaves, said Rakesh, and they are always ready to dance if there is a breeze. After grandfather had come indoors, Rakesh went into the garden and lay out on the grass beneath the tree. He gazed up through the leaves at the great blue sky and Turning on his side, he could see mountains striding away into the clouds. He was still lying under the tree when the evening shadows crept across the garden. Grandfather came back and sat down beside Rakesh, and they waited in silence until it was dark. There are so many trees in the forest, said Rakesh. What's so special about this tree? Why do we like it so much? We planted it ourselves, said grandfather. That's why it is special. Just one small seed, said Rakesh. And he touched the smooth bark of the tree that had grown. He ran his hand along the trunk of the tree and put his finger to the tip of a leaf. I wonder, he whispered, is this what it feels to be God?
अब गर्मियां आ चुकी थी और थोड़ी गर्म सनी आफ्टरनून में जहां ऐसा लग रहा था कि जो मक्खियां थी वो भी सोना चाहती हैं। सो राकेश अपने ग्रैंडफादर के लिए ढूंढ रहा था एंड उनको नहीं ढूंढ पाया। और चारों तरफ जहाँ उनकी फेवरेट प्लेसेस थी सब जगह देख लिया उन्होंने, बेडरूम देख लिया, विंडो की तरफ देख लिया। तो सब जगह देखने के बाद ग्रैंडफादर ने कहा, मिले लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो एंड ही सॉ ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर। एक केन की चेयर थी जिसपे वो आराम कुर्सी पे बैठे हुए थे। और कहाँ बैठे थे? चेरी ट्री के नीचे, अंडर द चेरी ट्री। देर इज जस्ट राइट अमाउंट ऑफ शेड हियर, सेड ग्रैंडफादर। जब वो उनके पास गया तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, यहाँ बिल्कुल सही छाँव है जितनी मुझे चाहिए, छाँव भी है धूप भी है, मतलब ऐसी जगह। एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स। और दादाजी कहते हैं, मेरे को पत्तियों की तरफ देखना भी अच्छा लगता है। दे आर प्रिटी लीव्स, सेड राकेश, वो बहुत अच्छी पत्तियां हैं, राकेश बोलता है। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर इज अ ब्रीज, जैसे ही हवा है तो वहाँ वो नाचने के लिए भी तैयार है, राकेश बोलता है। एंड ग्रैंडफादर जो अंदर चले गए, तो राकेश गार्डन में गया और ट्री के नीचे लेट गया। और अब वो ट्री के नीचे लेटने के बाद उसने ऊपर देखा, जो ब्लू स्काई उसको पेड़ों की पत्तियों के बीच में से नजर आ रहा था। और फिर उसने अपनी कमर पलटी और वो देखता है कि पहाड़ों को जो कि बादलों में छुपे हुए हैं। और काफी देर तक वो सोचता रहा। एंड जब शाम हुई, शाम की शेडोज आने लगी, तब दादाजी वापस आए और उसके पास आके साइड में बैठ गए। और तब तक बैठे रहे जब तक बिल्कुल साइलेंट नहीं हो गया, डार्क हो गया, रात हो गई थी। और राकेश पूछता कि यहाँ तो खूब सारे पेड़ हैं दादाजी, देर आर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, पर इस पेड़ में क्या खास बात है, व्हाट सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री? तो दादाजी बोलते हैं कि हमने इसे खुद उगाया है, वी प्लांटेड इट आर सेल्स, इसीलिए ये बहुत स्पेशल है। तो राकेश बोलता है, एक छोटा सा बीज ही था वो, जस्ट वन स्मॉल सीड, व्हेन ही टच्ड द स्मूथ बार्क, उसने पेड़ के तने को छुआ और जो उग चुका था, और ही रैन, उसने अपने हाथों को उसके पेड़ों के पूरे तने के चारों तरफ घुमाया, अपने फिंगर्स को उसकी लीव्स पे रखा। और फिर वो बोलता है दादाजी से, विस्पर्ड करता है, मतलब चुपचाप से हल्की आवाज में बोलता है, इज इट वॉट इज दिस वॉट इट फील्स टू बी गॉड, क्या यही ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है ये हम भगवान हैं? सो दिस वॉज द स्टोरी द चेरी ट्री एंड वी एंड ओवर हियर अबाउट द वी हैव रेड अबाउट द स्मॉल बॉय ऑफ द स्टोरी। प्लीज रीड द स्टोरी वन मोर टाइम, दिस इज योर ओनली असाइनमेंट फॉर टुडे, रीड द स्टोरी वन मोर टाइम, ओके? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सो पेशेंटली। प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्लीज सेव द प्ले लिस्ट। अगर आपने अपनी चैनल की प्ले लिस्ट अपने सेव कर ली है, सो कोई भी नया वीडियो आएगा, सो विल गेट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड फॉर एनी स्टडी मटीरियल प्लीज क्लिक डाउन, आई हैव गिवन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, हैव अ वेरी नाइस डे एंड स्टे सेफ।